कि तमाम परिंदे हंस नहीं होते, तमाम परिंदे हंस नहीं होते, तमाम मौसम बहार के मौसम नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बहार की खुशबू आती है और कुछ लोग खुश सराहा बहार होते हैं। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, जो अपनी इस्तेदाद से बढ़कर
बोल उठा है, और चाहे वो है जो सदाकत को जानते हुए भी बातों को इख्तियार है। यहां इस आयत करीमा का मतलब बड़ा वाज था कि इंसान अपने जॉब को अंडर एस्टिमेट कर गया और अपनी जात को ओवर एस्टिमेट कर। अभी ये नायाब रब्बानी खत्म नहीं हुई कि आपने मलाइका को हुक्म अता फरमाया इसका आलम वो कर लेकिन मलाइका यही जाए मतलब हलीमा कह बोलू को बनकर मलाइका मैं अपनी मखलूकात में से इस इंसान को खिलाफत अर्ज के लिए चुन रहा हूं। खातू हजरात इस अर्ज से मुराद ये अर्ज नहीं थी जिस पे हम थे। इस जमीन के बारे में तो कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, अब दुनिया सिजनल मौत ये कैदखाना ये तो महल और बला का घर है। और दूसरी तरफ पर निगाह आलम एक बायोलॉजिकल इंसान की तख्लीक में मसरूफ है। तीनों अतराफ से मुराद इंसान और ये इंसान जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस में मसरूफ है कि हालात अल इंसान में ही मुमिन अल्लाह ने हम जब शय मसरूफ है बिलाशुबा जमाने मुद्दतों और सहाबत और सहाबत ऐसा वक्त गुजरा इंसान कि वो कोई काबिल जिक्र शायद फिर क्या खुदा अपने पीर ने बताया कि वो क्या है इन्ना खलकनल इंसान अलनाशा हमने इंसान को फिर दोहरे नुतफे से पैदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह पहला हाल इंसान का सिंगल सेल है और अर्शहास के बाद खुदा ने कहने से डबल सेलुलर कह दिया। अगर ये पहले अमीबा और पैरामिशिया था तो अब एक डबल मखलूकात की शक्ल अब न्यूक्लियस टूट गया फीमेल और मेल बनने शुरू हर को प्रोटोटाइप मखलूक पैदा होने शुरू मगर नहीं था। ये तो ऐसा इब्तदाई हाल था कि इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी रखी नहीं जा सकती। फरमाया मेरे अली ने लेना तली मैंने चाहा तो इस मखलूक को आगे बढ़ाऊं ये संसार इनकल फखरा से ये गिरा पड़ा इंसान जो बस आपस की बारिशों के बाद मिलेनियम्स की बारिशों के बाद जमीन पे जो कीचड़ जमा सूखा काला हुआ खनखनाता हुआ काला इसके बाद उसने वो जरसुमा हयात पाया वो सिंगल उसको आगे बढ़ाते हुए डबल से लेना तली चाह किसी कुछ और आजमा फजानना और समय बसीरा पहले समाप्त बख्श फिर इसको विशाल विशाल कॉम्प्लिकेटेड अमल ले विशाल की बजाय पहले समाप्त बख्श खातिर हजार इंसान इंसान का पूरा नहीं हो फिर खुदा देवी ने एक फैसला किया कि इस अमानत को इसके हवाले करने से पहले इसका जॉब इसको सौंप इसकी तकदीर इसे बता इन्ना अलैना वस्सबीर हमने तुझे अक्ल व शऊर सिर्फ इसीलिए बख्शा हमने ये अमानत जमीन व आसमान जो तुझे सरबुलंदी अता कर दी जो तुझे अक्ल व शऊर व मारिफत अता कर दी सिर्फ एक काम के लिए बख्शा मुलाजा फरमा गए सेंस अपना कि हमने करीब के नजदीक क्या इन्ना अलैना वस्सबीला ये तमाम अपनों मार्फत को राह इसलिए बख्शा है इम्मा शाकिर हुआ इम्मा कफूरा चाहो तो मुझे मानो चाहो तो मेरा इंकार करो। तमाम बड़े उस्तादों की तरह उस जलीलुल कद्र उस्ताद ने इस एग्जाम से आपके जिम्मे सपोर्ट न किया चाहो तो मानो चाहो तो इंकार। किसी ने सैयद आलिम उस्मान हलवी मुर्शद लाहौर से पूछा कि इतनी बला जो इंसान को पढ़नी थी इनकार की शिकायत की शक और शुबा की स्केप्टिसिज्म की कैपिटलिज्म की काउंटरिज्म की लॉजिकल पॉजिटिविज्म की ये जो शुबा वक्त एक्जिस्टेंशियल फिलोसोफर को सभी एक्जिस्टेंस को प्रसीड करते रहते हैं
आखिर खुदा जाहिर खुदा हो गया, ये फितना और फसाद निकला। फरमाया शर्म और शर्म ने कि अगर खुदा जाहिर हो जाए तो ईमान जब फिर किसी की बिजार को करता है। आदि वाला जिंदगी में बड़े से बड़े दानिशमंद, बड़े से बड़े आलिम, चाहे मिशेल हो, विल्यम आइंस्टाइन, व्हाइट हेड हो, चाहे निक्शे और पेशे हो, एक काम करना पड़ता है। और अगर वो काम उससे पूरा नहीं हो रहा और अगर उसको अपनी अपनी मार्फत के मुताबिक उस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो जिंदगी में एक नाकाम थिंकर है, कामयाब थिंकर है। इससे बेहतर कि जब मैं अपना आत्म स्वरूप पाऊं, मुझे एक फैसला करना होता है, क्या मैं आजाद हूं या क्या मैं गुलाम हूं। अगर खुदा कोई मौजूद है जो मेरी जिंदगी के पहले सांस में मुदाखलत करता है, मेरी मर्जी के बगैर मुझे किसी माँ बाप के पास भेजता है, मेरे जाने बगैर मुझे बहन भाई अदा करता है, मेरी पूरी जिंदगी के रोजगार को क्लेम कर मां दिन फिलहाल देता अल्लाह है रिश्ता भैया उसका कर रहा उसका रहा, मैं जानता हूं मैं रिस्क देने वाला हर से हजार, मुझे पता है कहां रुकना है, मुझे पता है कहां सौंपे जाना है। ये एक मास्टर किला है, लोहे महफूज है, तमाम का तमाम किरदार हयात मैंने एक किताब में समो रखा है, एक मास्टर प्लान में समो रखा है, इल्ला फी किताब मुबीन, ये सारा उस किताब है। मैंने तुम्हें सिर्फ वो एक सिग्नल दिया है, जब मास्टर प्लान तैयार हो गई, जिंदगी अपने मेहमान को रिसीव करने के लिए तैयार हो गई, जमीन असबाब जरूरत इंसान से मुतय्यन हो गई, तो रब करीम ने फरमाया कुन फयकून, अब मास्टर प्लान को हुक्म हुआ कि जारी हो जाए। किस लिए जारी हो जाए, वो क्या हकीकत घूम रहा है जिसके लिए हम जमीन पर भेजे गए, इतनी आला तरीन सदाकतों के शार के साथ, इतनी आला तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जिस इंसान को अल्लाह ने जमीन से भेजा, उसके सुपुर्द सिर्फ एक काम किया, इन्ना हलैक और सबीला इम्मा शाकिर मैं मकबूला। वो कौन सा साहिब अकल है, वो कौन सा दानिश्वर है, वो कौन सा जहीर इंसान है, चाहे उसने फलसफा और दानिश में कलाम कितना हासिल कर लिया हो, जिसको अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले ये इल्म नहीं है कि वो आजाद है या गुलाम है। ताकि नाजरा इस मसले को हल करने के लिए हमें या उस खुदा के वजूद से रिहाई पाने होती है जो एक डेमोक्रेसी स्वॉर्ड की तरह, जो एक अनजाने खतरे की तरह, जो हवा वक्त एक समी और बसीर खतरे के लिए हमारे सर तक खड़ा होता है, या हम उससे निजात पाए और अपनी जिंदगी बसर करें, या फिर उसको पाने तस्लीम करें और उसके कहे के मुताबिक जिंदगी बसे। मार्फत के तमाम तकाजे हमें इसी बात को मजबूत करते हैं कि हम सबसे पहले अपने अपने शहूर से इस मसला को हल करें कि हम आजाद हैं कि हम गुलाम हैं, खुदा है कि खुदा कोई। बेशुमार लोग फ्लाइट फेथ पर तक किया गया, ये फ्लाइट थे जो किसी अकल का तकाजा नहीं करता, किसी शौरी काबिल को डिमांड नहीं करता, क्या ये लाइफ फेथ अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा। जिस हस्ती को आप लाइफ फेथ से मांग रहे हो, क्या उस हस्ती को ये आपका लाइफ फेथ काबिल कबूल है। इतना शर्म दबा पे इतना है, बदतरीन जानवर इंसान से, इंसान को उस जानवर से बदतरीन कहा, इतना शर्म दबा पे इतना है, बदतरीन जानवर मेरे नजदीक वो है जो अक्ल और शऊर के बगैर मुझे तस्लीम है। खातिर आला अगर खुदा साहिब इंसाफ है और वो है अकीदा, तो फिर मुझे ये बताए
कि जो दाना वो अहले कुफर को मुसलसल खुदा नहीं दे रहा है वो आपको क्यों ना देगा, और एक दाना है जो उन अहले कुफर को मुसलसल देगा। अगर तुम अपने शऊर इस्तेमाल करते, अगर तुम गौर फिक्र करते, तो यकीनन तुम अगर अपने आबा व अजदाद के दीन पे ना कायम रहते तुम यकीनन मुझे तस्लीम करते। तुम्हारी आंखें खुली होती, खाकी मजार ये वो अल्लाह नहीं है, ये वो रब्बे कलीम नहीं है कि जो अपने आप को अक्ल व मारफत की क्वेश्चनिंग से आजाद रखता है, ये वो अल्लाह नहीं है जो ये समझता है कि तुम एक डॉगमेटिक फेथ के मालिक हो जाओ तो वो खुश हो जाए, नहीं, ये तो अपने आप को क्वेश्चन बना देता, अपने आप को बैलेंस में डाल देता, चाहो और ना चाहने के बैलेंस में, तस्लीम और तस्लीम ना करने के बैलेंस में डाल देता, और ये चाहता है कि आप उस पर गौर करो। गौर करने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं होता, और वक्त क्या अजीब बदकिस्मत यह काम नहीं होता कि बावजूद हिंदू से अलायदगी हम 1000 साल उसके साथ रहे हुए, हमारी जिंदगियों में एक अल्लाह के तसव्वुर के सिवा किसी ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन में एक जुमला लिखा हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, सिंस देयर वर ए जियोमेट्रिकल प्रिसिजन अबाउट द वर्कस ऑफ गॉड इन इस्लाम, देयरफॉर नो माइथोलॉजी वाज पॉसिबल। इतना कड़ा वहदानियत का तसव्वुर है इस्लाम कि इसमें कोई ईश्वर ब्रह्मा विष्णु या इंद्र शामिल नहीं हो सकता। ये बाहर बताए अकल है जो मुसलमान ने हिंदुस्तान से बचाई है, ये बाहर बराबर के मकर बरे से अगर मुसलमान ने कोई चीज बचाई है तो वो एक खुदा वाहिद का तसव्वुर, इसके अलावा हमारी जिंदगियों के तमाम फरसरात हिंदू बच, सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी की तकसीम पर तसव्वुर बरहम कर जाएगा। बरहम जिंदगी को 4 अदवार में तकसीम करता, उसका पहला ब्रह्मचर्या शरण 25 बरस तक, इसमें इंसान इल्म हासिल करता, हुनर हासिल करता, ये तालिब इल्मों का जहां, इसके बाद उसका गृहस्थ आश्रम, वो शादी करता है, बाल बच्चे, ये भी 25 बरस में मुश्तमिल है, फिर वो घर आश्रम को पलटता है, अब बुढ़ापे को अब उसे ताकत चाहिए, इल्म चाहिए, उसे मसनद इकदार चाहिए, फिर आखिर में जाके 75 साल के बाद वो ऋषि मुनि आश्रम को बढ़ता है, खुदा की तलाश में बढ़ता है, दुनिया तैयार हो गई है। जरा गौर फरमाइए क्या हमारा भी वही तरीका काम है, जब दांत न रहे, काम न रहे, सामान न रहे, हाथों में राजा आ गया, पांव में खड़ाने शुरू हो गए, आंसुओं की जरूरत पड़ गई तो खुदा को फिर याद करना शुरू कर दिया। खुदा को जानना और समझना इट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फिलोसफी, एंड वंस वी नेग्लेक्ट दिस टॉप प्रायोरिटी we are all shy of ourselves and shy of the rest of the life. जिंदगी दो हिस्सों में बटके रहे, एक सेक्युलर जिसको मजहब का सिरे से कुछ इल्म न था, एक मुल्ला जिसने इल्म सीखने से इनकार कर दिया, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल मुसलमान अपनी तरह खो बैठा, वो मुल्ला की मजहब से इत्तेफाक नहीं कर सकता। सारी दुनिया एडवर्टीजमेंट पे चल रही, बुरे से बुरा माल के एडवर्टाइजर बेच देता है, और अल्लाह को कितना बुरा एडवर्टाइजर मिला, वो खुदा को सही नहीं कर सकता। He cannot identify, सर्व जाएंगे और गॉड को इस मॉडर्न प्रेजेंट पर। आज का स्केप्टिक जो है उसके स्केप्टिसिज्म के मुकाबले में आज का बुल्ला नहीं खड़ा हो सकता। इंटरकॉन्टिनेंटल में खुदा की बात नहीं हो सकती, एस्केलेटर चलते हुए अल्लाह की बात नहीं हो सकती, फाइव स्टार्स में नहीं बात हो सकती। वेरी ओल्ड हैकनीड कुरान क्लासिकल थॉट
पतन कुरान कब की किताब है, पतन कुरान कब की हिदायत है। आज के दौर में उसका ज्यादा लुक होता मुस्लिम कहना सेल, उन लोगों को अपनी कुरान हकीम को भी प्रॉपरली इंटरप्रेट करना नाम है। 1300 बरस मुसलसल हिदायत के इल्मिया और हिदायत के अकलिया इस अंदाज से समझा गया कि सवाय तकलीद के मुसलमान के तले कुछ ना था। ताकि महाराज इसी चीज के अंदर खिलाफ और खुदा चाहता था कि जो शख्स कलेमा पढ़ता है वो जहाद शुरू करता है, जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसे पहले बहुत सारे खुदाओं का इंकार करना पड़ता है। बकौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया शैतान अब उस फिजिकल वजूद से मायूस हो, अब मुसलमान पत्थर के बुत नहीं तराशेंगे और पूछेंगे मगर अब उनके अपने बुत करेंगे, आला के बुत हैं, खानदानी बुत हैं, रिवायात के बुत हैं। बड़े बड़े अच्छा मुसलमान भी जब इस किस्म का कोई तकाबुल पड़ता है, कोई मैच पड़ता है, किसी ने एक किस्म का खुदा एक तरफ हो रिवायात एक तरफ हो, तो नॉर्मली बहुत कम देखा गया कि कोई मुसलमान अपनी रिवायात के खिलाफ है। खुदा के खिलाफ जाना उसे आसान है मगर साथी महाराज सवाल ये पैदा होता है क्या अपनी तमाम जिंदगी तमाम आपको शगुन अल्लाह के लिए था और कब प्रायोरिटी अपन अल्लाह ही ने हासिल कर ली थी, तो फिर हम बाकी मकासिद की जिंदगी को क्या करें। कि अगर तुम्हारी पहली तरजीह दुरुस्त हो जाए, अगर तुम्हारी जहनी तरजीहात में पहली तरजीह दुरुस्त हो जाए तो जब तुम उस तरजीह से पलट के बाकी तरजीहात को लौटते हो तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं रह जाती। मगर बदकिस्मती ये हुई कि हम पहले नस्ल तरजीहात को प्रेफर करना शुरू कर दें और जिंदगी के उस वक्त में जब हमारा जवाब फिक्र का कोई बात ही नहीं रहता हम अपनी प्रायोरिटी को बदलते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंस टू द लेसर प्रायोरिटीज एंड लेस इंपॉर्टेंस टू द टॉप प्रायोरिटी। एक टॉक्सिक तरीके उसे मान अगर इल्म हो गया, शनाख्त हो गया, खुदा की तवज्जुहात हो गया तो ये बड़ा नेचुरल सा मसला है। और जैसे परवरदिगार आलम ने पहले फरमाया पहले कौमों को वैसे ही आपको फरमाया अगर तुम पलट आओगे मैं पलट आऊंगा, अगर तुम लौट जाओगे मैं लौट जाऊंगा। इस मामले में परवरदिगार आलम की आदत नहीं बदल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्या ऐसा खुदा का सबूत है। वो जो स्केप्टिक जो फलसफा और जो मंतिक की बहस में पड़ता क्या फलसफे का कोई फलसफा नहीं, क्या हमें ये पता नहीं है कि अगर एक मुफक्कर एक बात कहेगा तो आने वाला मुफक्कर उससे बेहतर बात कहेगा, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वही की तालीम में एक बात ने जो तीन आर्गुमेंट्स दी थी टेलोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट विद इन फाइव ईयर्स आने वाले मुफक्करीन ने उन तमाम आर्गुमेंट्स को गलत साबित, तो फिर कोई तो ऐसी बात हो कि हम जिंदगी गुजारने से पहले फैसला कर पाए कि हमारे लिए एक ऐसी दलील मौजूद है अल्लाह के हुजूर में जो किसी कीमत किसी जमाने किसी असर और किसी इनकार से वो दूर नहीं सकती। अल्लाह ने बहुत अप्रिशिएट किया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अगर किसी इंसान अपनी अक्ल पूरा पूरा मैनुअल किया एक्सप्लॉइट किया दुरुस्त इस्तेमाल किया तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसी वजह से खुदा इब्राहिम को इतना पसंद फरमाते हैं कि उसको दोस्ती का शर्फ अता पैगंबरों ने मुमताज किया, नसर मिले के रहमत आलम को उनकी आगोश में रखा और वो मैजिक क्या कोई जो मैजिक में चीजें जा सकते यू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और यू मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। हर जमाने में खुदा का अपना क्राइसिस,
किसी जमाने में ये पहले नहीं था कि खुदा को मुतलक इंकार किया जाता, अल्लाह को ज्यादातर शिर्क से वास्ता। आज भी अल्लाह को बुतों से ही वास्ता है। अगर एक रब्बे करीम के मानने वाले खड़े तो दूसरी तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मानने वाले, आज भी बुतों से वास्ता। न्यूयॉर्क के ब्रिज से कभी गुजर रहा हो तो आपके अहले मगरब के सबसे बड़े बुत को देख सकते। इन द नेम ऑफ लिबर्टीज, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, फ्री एटीट्यूड्स, ये तमाम के तमाम सवाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी से सिला फरंग से आया है एशिया के लिए। मयो कुमारो हुक्म में जाने वाला आज भी दुनिया की किसी तहजीब ने खादिम हजरत मौला नहीं दिया। ये इत्तेफाक की बात है कि आज भी जो कवानीन बन रहे हैं बड़े अच्छे कवानीन बन रहे हैं, बट नो ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड और बिल्डिंग द मॉरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। पहले भी खुदा की वजह से मॉरल कानून था, आज भी तमाम मॉरल कानून की बुनियाद उस पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक अल्लाह की तरफ से। बाकी ट्रैफिक लॉ तो इंसान ने बहुत बना है, जिंदगी की नाहमवार जिंदगी को गुजारने के लिए लॉ की सबसे बड़ी तारीफ मेरे नजदीक में यही है कि वो मामला में जिंदगी की फ्रिक्शन कम करता है और किसी सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद करता है। मगर ये लॉ कानून इख्लाक नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी के दाखिले में किसी एमबीबीएस से या इंजीनियर के लिए लाजिम नहीं कि उसका एक मॉरल कैरेक्टर भी हो। ये सिर्फ खुदा के कानून में मॉरलिटी इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। कानूनादा तसव्वुफ में और साइंसेज में बुनियादी फर्क यही है कि साइंसेज में कोई मॉरल आइडिया इंटरफियर नहीं है, कोई जज्बाती कैफियत इंटरफियर नहीं करती। साइंसेस में आपके लिए प्री कंडीशन कोई नहीं है, आपके जहन की कंडीशन आपके इख्लाक को बरार करती है। मगर खुदा के इल्म में, खुदा की नॉलेज में अगर जात का एक जबरा भी शरीर के हाल हो जाए तो आपकी लड़ाई बदल सकती। तमाम तलबादात के बावजूद अगर एक तकबर के भाई बराबर तकबर भी शामिल हो जाए तो तमाम इबादत हो जाए। पर अधिकार आलम ने शर को फेंकना नहीं था, खैर शर दोनों को फेंकना था और दोनों को आजमाइश था। और शर तो जाहिर होता है, झूठ का तो सबको पता है, चोरी और डाले का तो सबको पता है, मगर उन तकबर के जात का किसको पता लगता है जो इंसान खुशी से इख्तियार करता है। उस रिबत का किसको इल्म होगा जो इंसान बड़े ही प्यार और मोहब्बत से जिसमें मजबूत रहता है। अल्लाह का इल्म और दानिश और शराफ इसलिए मुश्किल होती है कि अल्लाह हमारे खिलाफ रहता है, अल्लाह मेरी जात के खिलाफ। किसी सूफी का कौले मुबारक है कि सफा इंसान की फितरत नहीं है, सफाए कल्ब इंसान की फितरत नहीं है, कदूरत से बना हुआ इंसान सफा को अल्लाह की तरफ से उस जंग के इनाम के तौर पर उतरती है कि जो इंसान के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत खुद से पैदा होता है। एक और मदद ने बताया और सफा और सिफतुल अहवाल है कि सफाए कल तो महबूबों की सिफत है, यह अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की सिफत है। और सफा और सिफतुल अहवाल है वो हम शमूस बिला सहाब, और ये वो आफ्ताब है जिसमें कभी स्याह बादलों के साए नहीं पड़ते। अंडरस्टैंडिंग कि वो आदर दलील क्या है कि जिसकी वजह से जिसको जमाने का कोई फर्द बशर तोड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा इतराज अल्लाह के ऊपर ये किया जाता है कि उसका देखना मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा इतराज तो खुदा की जात से काम किया जाता है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ये कहता है कि उसका डेटा मौजूद नहीं है। रसल ये कहता है कि हम जिसके हाथी ना देखा हुआ हो वो किसी चीज को भी हाथी समझ सकता है। कामिस्ट कहते हैं ये ओपियम है।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता है कि नदियाए गोलार्ध जमीन के मसाइल की पैदावार है, इसलिए कि जमीन पे खुदा का डेटा नहीं है, यकीन नहीं है, क्लेम तो है खादी महाजन, क्लेम तो है। अगर डेटा नहीं है तो जो कोई भी खुदा है कोई क्लेम तो कर रहा है, इन क्लेम तो उसका मालूम कि ये किताब मेरी, इसका हम नफ्स मेरा है, इसका तमाम डेटा मेरा है, इसकी मैंने खुद हिफाजत की, हमने इसको नाजिल फरमाया है और हम इसकी कयामत तक हिफाजत करेंगे। ये नहीं था, जब आप कुरान खोलते हो तो सबसे पहली दावत ही शको शुबा वालों को है, स्केप्टिक्स को है, जांच परख वालों को है, सोचने समझने वाले को है कि देखो अल्लाह लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अगर गुशा है ना तो निकालो, ये मेरी किताब है, ये मेरे नफ्स हैं, मैं खुदा तख्लीक हूं, मैं किताब तहरीक नहीं हूं। अल्लाह का कहना ये है कि मैं किताब तहरीक का खालिक नहीं, मैं किताब तख्लीक का खालिक, ये मैंने चीजें बनाई, मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें जानता हूं, अव्वल कायनात को जानता हूं, अपने कायनात को जान, अपने कायनात को कैसे जान, अवलम यरल लजीना कफरू हाउ डेयर यू डिनाई, कैसे तुम इनकार की जुर्रत कर सकते हो, तुमने कोई दीवाना है होश वाला है, हाउ डेयर यू डिनाई, तुम्हें नहीं पता अन समात व समावात व अर्ज कामत रक्त फमत नमा इन तबीने होल दिया एंटी हेवंस were one mass that I forcibly told them about. क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पूरी कायनात या असर व अकबर जमीन व आसमान all these galaxies पूरी ये कायनात एक वजूद था, फिर मैंने इसे बजोरे कुवत फाड़ के जुदा कर दिया और फिर दूसरा कानून दिया, हयातियात का कानून, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंसेस का कानून दिया, वजअलना मिनल माए कुल्ल शयइन, और मैंने तमाम हयात को पानी से कर दिया। आजू हजरा यह इब्तदाए कायनात है, यह इब्तदाए कायनात है, इब्तदाए हयात है, ये बनाने वाले ने ही है। साइंसिस के तफक्कुरात अपनी जगह पर, साइंस कब कुरान से एग्री कर सकते थे, हम उससे एग्री विद गॉड, तारीख तो कह रहा था कि जमीन साकत है, कॉपरनिकस कह रहा था सूरज साकत है, गैलीलियो सिर्फ गोलाई पर मुसर था, 1980 तक तो जमीन साबत आसमान साबत और सयार में बटा हुआ था, मगर क्या कुरान भी नहीं कह रहा था, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, अनकैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा था खाले किताब तख्लीक का मुसन्निफ, अनकैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा था, वसखर शम्स वल कमर सूरज और चांद हमने मुसफर किए हैं, कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा, ये तमाम चल रहे हैं वक्त मुकर्रर पर। पूछा गया कायनात में कोई चीज साकत है, फरमाया नहीं, कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा, हैरत की बात है। काजी महाजरा 1300 बरस से मुसलमानों ने अल्लाह पे इत्मीनान, जब अल्लाह 1500 बरस पहले ही कह रहा था कि कायनात में कोई चीज साकत नहीं है, न सिर्फ के तमाम कायनात के तमाम सयारे ना चल रहे हैं बल्कि तरतीब से चल रहे, कुल्लू फी फलकिन यसबहून अपने अपने दवायर में चल रहे हैं, अपने अपने इंतजाम में, खाली अल्लाह क्यों मुसलमानों को देख रहा है, उनकी प्रायोरिटी अल्लाह जो है। The truth still lies here in God, but we don't believe in God. हमने इंतजार किया, कानूनी गलत साबित हुआ, कॉपरनिकस गलत साबित हुआ, सर जेम्स जी का जमाना आया, हवन लग गई, आसमान देखा गया, सितारों की गर्दिश नोट की गई और तमाम कर साइंसदानों ने मुत्तफिक अलैह सिर्फ दो फैसले किए, बिग बैंग, पहला फैसला किया
The maximum number of scientists have only agreed on one thesis, and that's Big Bang. और दूसरे पे 100% इत्तफाक हुआ, दूसरी बात पे 100% इत्तफाक हुआ, तमाम जमानों की रिसर्च जब 2000 साल बरस तक पहुंची तो साइंटिस्ट चीफ की जुबान में मजबूरन कुरान से इत्तफाक किया गया, वजअलना मिनल माए कुल्ल शयइन हय, कि इंडेफिनिटली इट इज ट्रू कि ऑल लाइफ इज क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर। साइंस उजब नहीं है, हैरत अंगेज नहीं है, करिश्मा ए खुदावंद तहकीक और जस्तजू के एक रास्ता था। ये तो इसलिए था, देखिए गलत रुख कैसे बोलते, ये तो इसलिए था कि तहकीक और जस्तजू से खुदा की पहचान बढ़ गया थी, मोहब्बत बढ़ गया उस वक्त, फितरत को खुदा जानने की बजाय अपनी जात को खुदा जानने की बजाय वो खुदा को खुदा तस्लीम कर अल्लाह को अल्लाह जान रब्बे कायनात की मम्लकत उसकी तरफ लौटा दे। क्या अजीब बात है कि कयामत के दिन खुदा खुद जाना पड़ेगा। जब बड़े बड़े बादशाह और साइंसदान जमा होंगे, फितरत के प्रस्ताव जमा, बुतानी असले हाजिर के प्रस्ताव, अक्लो मार्फत की ऐसी मुलम्मा तारी के प्रस्ताव जमा होंगे, तो अपना के बाला से जब परवरदिगार के आलम उतरेंगे तो ये ऐलान करेंगे, ले मजाल बोल कर जाओ, बताओ तो सही आज किसका मुल्क है, किसका इक्तदार है तुझे, वही लॉ है वाहे दिन कहा, तो हमारा था पहले, आज भी हमारा, कल भी हमारा, हमी इसके मालिक हुआ, हमी रब्बे कायनात वलाव कान अपनी हिमा आवे हाथन, अगर कायनात में दो खुदा हो तो फसाद ना फसाद फसाद हो जाता, आए बंदा जाने खुदा जरा सी तो आकर मगर पहला मरहला पहला मरहला पहचाने कैसे अकल कैसे बड़ा सादा सा मसला, बड़ा सादा सा मसला है, इंसान हजार गलतियां करके भी इंसान है, अल्लाह एक भी गलती करे तो अल्लाह वो क्लेम जो कर रहा है एक डाटा, वो एक डाटा क्लेम कर रहा 300-400 सफे की किताब का एक एक लफ्ज अपना क्लेम कर रहा। आगे बढ़ो ना कुरान की एक आयत गलत था, क्यों एक आयत सिर्फ पूरा जोर लगाओ, पूरी मगरब और मशरक इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंतहा कर दो, डाटा बेस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ोगा एक ही आयत को तो आप जगह साबित कर, जान चुक जाएगी इस बला से आजाद हो जाओगे, फिर तमाम जरा जरा नहीं है, कोई होमोसेक्सुअलिटी नहीं लेगी, कोई कसरत जना फरेज नहीं लेगा, इंडिपेंडेंट, फिर सिर्फ दुनियावी कानून से गुरेज ही आपका मसलक रह जाएगा, गिल्ट फाउंडेशन नहीं रहेगी, आजाद कब्र नहीं रहेगा, खौफ मलाइका नहीं रहेगा, और जहन्नम तो बहुत दूर चलेगा। Why don't you make a little effort, just a little effort to understand, अनपढ़ों की जुबान से उसे क्यों सुनते हो, आप हाँ लोगों से क्यों पढ़ते हो कुरान को, अगर इतनी इतनी बड़ी किताबें कानून आपके मेलों पर आपकी रातों की नजर हो जाती है, अगर आप आधी रात में चला एक किताब के लिए चला देते हो कानून की किताब, वन आई टू रीड दैट वन सिंपल बुक, टेक 30 डेज मोर डेज ट्राई टू फिनिश इट विद योर बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, find one mistake made by God and you are free, you are free, मगर एक बात याद है, मालूमात के तनासब से चीजें डिफरेंट होती है, गैर और शहूर डिफरेंट होता है, गैर और शहूर इंफॉर्मेशन की मकदार को एक शख्स 3000 किताबें पढ़ता है, एक शख्स 5000 किताबें पढ़ता है,
तो 3000 किताबों के मुताले तक तो दोनों हाजिर होते, जहां 3000 एक ही किताब एक गया में चला जाता और एक शहादत में होगा फिर तो तमाम गाय को शहादत है, इंफॉर्मेशन की मेदार है, किसी को क्या आता किया गया, किसी को कितना इल्म हासिल, परवरदिगार आलम ने कितना किसको इल्म दिया, कितनी दानिश और बुरहान दी है, इससे आपके स्टेटस ऑफ माइंड पे डिसीजन होता है। और अल्लाह कुरान को समझने के लेसन इंटेलिजेंस पर भरोसा, कि क्या अच्छी बात है जिसको मैट्रिक ना हासिल, देखा कहीं बच्चा निकला हुआ था जिसके पास कोई चारा नहीं था। Mostly what we do is, what we cannot do, we try to achieve in our children. मैंने तो कुरान याद नहीं किया, शायद मेरा गिल्ट मुझे कहता है बच्चे को कुरान आप हिफ्ज करा लो तो आगे बढ़ने जंगल में ये सही समझ है। वो बच्चे तो फोर्स कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो कुरान पढ़ रहे हैं बेचारगी और बेबसी में। अब लगा तो खुदा पहले आओ तो याद करो लेमा तकून हमारा तफरून, तुम एक ऐसी बात क्यों कहती हो जो कर नहीं सकते, और अगर फर्ज करो किसी में करना ही है तो उस पर जबर क्यों इतना प्रेशर डालते हैं। खुदा को जानने सोचने और समझने के लिए एक इंतहाई मुतवाज़न ज़हन चाहिए, इसके लिए कोई स्पेस ऑडेसिटी नहीं चाहिए, ऑब्सेशनल माइंड नहीं चाहिए, अपने जन्म ख्याल को इल्म नहीं कहा जा सकता। पर्टिकुलरली ऑब्सेशनल थॉट के लोगों को कभी भी हम नॉर्मल, हमारा इल्म का माया डिफरेंट है, हम कायनात का बेहतरीन इल्म कुरान को समझते, वजह क्या है, एक इब्तिदा की खबर देता है, एक इंतहा की खबर देता है। अल्लाह यालम हो, क्या आपका ख्याल है कि बीच की खबरों से बीच की बातों को भूल जाएगा, अगर उसे एक टकरा खबर और आखिर की दे बैठा और ये कह चुका है कि इधर शम्स रूप बरत व इधर नजूम कदर, कि सूरज लपेट किया जाएगा, चांद बुझ जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, इधर जुलजिला तिला वजिल जाला व अखरज तिला जसकाला व काल इंसान माला, और बाहर रूह की गालों की तरह खबर देता है जो आपके और जमीन पर किसी के इल्म में, जिसके रास्ते में साइंसिस के पास स्व इब्तिदाल है, ऑप्शंस है, इससे ज्यादा नहीं है। परवरदिगार को यह कहता है अल्लाह अल्लज़ी खलक़ा सबा समावातों व अर्ज़ ज़मीना, ये मत ख्याल करो तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम इस जमीन के बासी अपने वजूद की नक शख्सियत में खोए हुए हो, तुम्हारा ख्याल है तुम ही हो, कायनात में और कोई नहीं है, तुम्हें आसपास नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम अपने आप को ही महबूब मरकज़े कायनात समझते हो, ये गलत है। बल्कि अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारी जैसे सात कायनात है और इन्हीं सात कायनातों में सात जमीनें हैं, अल्लाह अल्लज़ी खलक़ा सबा समावात व मिन अल-अर्ज़ मिस्लहु, और इसी तरह की सात जमीनें हमने बनाई, और ये मत समझना कि वो खाली है गैर आबाद नहीं है, व यतरक्कुल अम्रु बैनहुम, इन तमाम जमीनों में मिला होता है, कुरान उतरता है, पैगंबर उतरते हैं, तख्लीक उतरती है, तनकीद उतरती है, कुरान की वजह से वहां भी लोग जन्नत के तरफदार हैं, वहां भी लोग दोजख के सजावार हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम कहीं छोटे मोटे साइंसदानों को टॉप इंटेलेक्चुअल न समझ कर बैठा, चंद एक मगरबी अफकार से मुतासर न हो जाना, तुम्हें जो किताब अल्लाह की तरफ से मिली है, जो डेटा मैं दे रहा हूं, ऐसा पूरी जमीन व आसमान में कोई डेटा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है अफला या तदब्बुर, अफला या तदब्बुर,
तुम गौर क्यों नहीं करते? क्यों तुमने जुजदान में ताकों में सजा रखा है? क्यों तुमने कुरान हकीम को इतना बेनजर कर रखा है? तिलावत फजर बड़ी मुआज्जज़ है। इन्ना कुरान फजर काना मशहूदा, सुबह का कुरान हाजिर है। मगर अहले इल्म का नहीं, अहले इल्म का नहीं, अहले इल्म का एक एक फकीर 70 इबादत गुजारों पर भारी, एक गौर फिक्र का दबा जो है 70 साल की इबादत पे वजन है। ऐसा लगाने खुदा तक के कुरान ही को तक के इस्लाम है। और क्या चीज है जिसको आप आसान से जिंदगी बनाते हो? आबाओ अजदाद से आया हुआ दीन कितना मुअज्जल हो सकता है? अगर अहले कुफर को खुदा ताना देता है, उनको जानवरों से बदतर करार देता है और कह रहा है कि अगर तुम आंखें खुली रखते, गौर फिक्र करते, तुम यकीन आबाओ अजदाद का दीन छोड़ के हमें पहचान लेते, तो क्या ये ताना मुसलमान को नहीं जा रहा? क्या हमें ये ताना नहीं जा रहा कि बगैर सोचे समझे ब्लाइंड फेथ की विरासत में हम अल्लाह के रस्ते पे? इसीलिए तो हमें कोई जादूगर गुमराह कर, तालीस करने वाला हमें गुमराह कर, अफवाहें हमें गुमराह कर। क्या अजीब वो खुदा है जो जमीन व आसमान का हुक्मरान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, जो रिस्क देता है बाल बच्चा देता है, जमीन व आसमान की हर नेमत देता है, मग्ज देता है, शफा देता है। इससे क्या दे? वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाह, तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूं। जो इतना बड़ा काबिल मुतलिक है, उसके होते हुए जादूगर का तालीस कैसे आप पर असर कर सकते? क्या अल्लाह ने काम बांट लिए? क्या लोगों की मुसीबतें, लोगों की मोहब्बतें, लोगों के हिलाफ, लोगों की शादियां, लोगों की शादियां रुकवाने के ये सारे काम गली कूचे के बैठे हुए निजामी किताबी मोहल्लों को दे दिए? अल्लाह ने इस कायनात को छोड़ दिया? रिक्शे ने एक दफा कहा था, God is dead and mankind has thrown him out of his universe. क्या आपका ख्याल ये है आपसे मालूम? क्या नबी आपकी कायनात से उठा? क्या खुदा बंदे करीम ने इस उत्तर के दुनिया को और दुनिया से मार कि इस दुनिया के मामला से गुजर गया? क्या आप इन छोटे छोटे आपाकाना तसल्लुफ की बातों पर यकीन रखते हो? अपनी जिंदगियों की बर्बादियों के जिम्मेदार इंसान को खराब देते हो? अपनी तवज्जोहात की गफलत का बायस एक ऐसा कानून परवरदिगार ने दे दिया कि मुझसे गफलत करोगे, अगर मुझे इतना नहीं मुझसे गफलत करोगे तो तुम्हारा यही असर होगा कि तुम्हें पर तावीजों की मार पड़ेगी, जानू की पड़ेगी, हासिलों की पड़ेगी, कीना परवानों की पड़ेगी, जालिमों की पड़ेगी, बुज और बलेर की मार जरूर है। जो रहमान के जिक्र से बात हुआ, जो अल्लाह की याद से बात हुआ, जिसने अल्लाह को ना जाना ना सोचा ना पढ़ा, जिसकी कोई कमिटमेंट दीन में मौजूद नहीं है, तरजीहात में अल्लाह कहीं वजूद नहीं रखता, वमन याशुअन जिक्र रहमान शायदान, हमको उसने एक शैतान को गलबा दे दिया, करीब वो उसके करीब रहे, इससे बड़ा क्या उसूल हो? इन तमाम जिद्दोजहद और अंडरस्टैंडिंग के मकासद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गई है, हमें खुदा के बारे में अगर कोई दे सकता और कोई इल्म हमें दे सकता तो सिर्फ और सिर्फ कुरान। क्या अजीब बात है, क्या अजीब बात है कि जिस किताब को सुबह शाम देखते हुए हमें कोई ऐसा से अजनबियत नहीं हो, हम उसे चूमते हैं चाटते हैं, मतलब इस चूमने चाटने से भी खुदा का एक जर्रा बराबर अकाउंटेबिलिटी हमारे दिल में पैदा नहीं है। अगर मुसलमान अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी से चाहता है तो उसके लिए ना मुल्क इंपॉर्टेंट रहता है, ना जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट रहती है, ये सेकुलर ऑनेस्टी नहीं चल सकती। मुसलमान के पास सेकुलर ऑनेस्टी का कोई काम नहीं।
20 साल की अगर सेक्युलर ऑनेस्ट रहेगा तो 21वें बरस फ्रांसिस बेकन जैसे लोग भी खबर के मुकदमों की भला दस इस्लाम इज नॉट ए प्राइवेट थिंग। अगर अहले यहूद और नसारा अपने मजाहब को मौजूदा साइंटिफिक वर्ल्ड में फॉरवर्ड नहीं कर सके तो उसकी वजह उनके अल्लाह का फतवा कि इन्होंने हकायक को मस्क किया, इन्होंने हकायक पर गौर नहीं किया, बल्कि दो गलत में आगे जान की कि जानते थे कि तुम गलत कह रहे हो, इसके बावजूद जानते बूझते हुए भी मेरी आयात को तुमने चेंज कर दिया, डिफरेंट कर दिया, तहरीर कर दिया। और दूसरा जो आजकल भी हो रहा, जीवेश के स्कॉलर भी कर रहे हैं, दानिशवरा ने मजहब भी कर रहे हैं, एक मुतकियाना पूरे सराफा के साथ वही काम कर रहे हैं आज के लोग। इन लजीना जो खुदा अपने करीम ने इन्नल्लज़ी यक्तुमूना मिनल किताब के किताब में से वो कुछ छुपा लेते हैं और किताब में से वो चीज जो हकायक है छुपा लेते हैं और फिर आयात इलाही होता है यश्तरू बेसान कलीला थोड़े से माल के लिए बेचते, एक टीवी की अपीयरेंस के लिए बेचते, एक किताब रखने की अदा के लिए बेचते, मगर एक फायदा जो कुरान हकीम को हासिल है वो किसी किताब को हासिल नहीं। अगर इस किताब की हिफाजत मुसलमानों के सुपुर्द होती तो आप इसको बजाय कुरान के जानको और टोने टोटके की किताब पा अल्हम्दुलिल्लाह के जो खुदा ने कई फरमा दिया ताहुल्लाह सल्लम जिक्र वायदा लहुल आफिजून कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, इसलिए ये किताब सलामत है, मौजूद है, गौर फिक्र के लिए खुली है। और हजरात एक बड़ी मामूली सी बात फिर ये रह जाती है कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, ये दुनिया किस मकसद के लिए है। तो परवरदिगार इस दुनिया को गलत नहीं कहा, रबना मा खलकता हाज़ा बातिल, ये गलत नहीं मैंने बताया, ये तुम्हारा प्रोटोकॉल, ये फैसिलिटी जो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया, जो अक्ल और मारिफत का काम, जो अमानत अक्ल की जिम्मेदारी है, उसके लिए कुछ सहूलतें चाहिए, वो सहूलतें तुम्हें दुनिया माल की शक्ल, औलाद की शक्ल और जिंदगी की शक्ल और तुम्हारे पूरे खानदानों की शक्ल में मैंने अदा, जॉब्स की शक्ल में अदा, और तुम इसलिए जमीन पर कायम, तुम्हें ये फैसिलिटीज इसलिए कि मुसीबत में, दुख में, बला में, कर्म में अगर तुम्हें मैं याद रहा तो तुम तक कब्र पहुंचना आसान हो जाएगा। कब्र जो गेटवे ऑफ गैलेक्सीज है, जब तुम वहां पहुंचोगे वही सारा सा सवाल जो हमने पहले किया था कि इन्ना हदैना और सबीला इम्मा शाकिरून व इम्मा कफूरा, कि शादी अगर इसीलिए भी है जब चाहो तो मानो चाहो तो इनकार करो, जब तुम कब्र पे पहुंचोगे तो वही सवाल पूछा जाएगा मन रखोगा। आगे दुनिया से लौट गए, अगर पूरी पूरी इस्तेमाल तारीख शाम जिंदगी वसूल किए, तमाम कुछ पूरी जिंदगी भरपूर बचत करके आए, हजूर ने फरमाया जो 60 बरस की उम्र तक पहुंचा उस पर अल्लाह ताला ने उम्र और अकल तमाम कर, तो 60 बरस के अंदर आप पहुंचे तो पहला क्वेश्चन होगा मन रखोगा, बताओ तो सही जिस चीज के लिए आकर दी थी तुम्हारा कौन लाभ है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर आप जिस ऑब्सेशन का शिकार रहे हो जो रूल करता है आपके जहन, जिस चीज को आपने प्रायोरिटी, जिस चीज को आपने जहन कल का इस्तेमाल दिया है वही ख्याल आपके मुंह से निकले। अगर एक हिंदू पहुंचता है मन रब होगा, वो बेचारा इस अवलाद में मामले का शिकार हो जाएगा कि 150 देवताओं में से किसका था, बरामा कहूँ, शिवा कहूँ, विष्णु कहूँ, इंद्रा कहूँ, मित्रा कहूँ, वरुणा कहूँ, काली कहूँ, दुर्गा कहूँ, सरस्वती कहूँ, और बेशक फिर अल्लाह फरमाएगा कि बेशक मेरे बंदे ने झूठ कहा। और जो एक सिंपल स्टेटमेंट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट कितना वजन में भारी है,
कि हदीस कुदसी है, हदीस रसूल है, बुखारी और मुस्लिम है, कि फरमाया कयामत के दिन एक शख्स का आएगा मायबाल नामा, आसमान से उसकी नेकियों का पलड़ा लगा होगा, गुनाहों का पलड़ा जमीन छूगा, खसारे का ये आलम होगा। तो फिर जब उसकी बेचारगी अदा देखिए, एक कागज का एक टुकड़ा इस मुकबिल का बड़े दिल से देखा था, वो कागज का टुकड़ा उस खसारे वाले पलड़े पे डाल दो, फिर देखते देखते वो गुनाहों वाला पलड़ा आसमान को जा लगेगा और वो पलड़ा जो है जमीन पर जा लगेगा। तो पूछा जाएगा कि है मालिक करीम इसमें क्या लिखा है कि दिल से एक मरतबा इसने हाकमियत परवरदिगार का ऐलान किया था और ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से सोच समझ काफी आजाद बड़ा सस्ता लगता है, जन्नत बहुत सस्ती है, इतना चीप तो सौ का नोट नहीं होता है। जिसने खुदा को खुदा जाना, उसने शरीक न किया, किसी जादूगर और ताबीजकार को शरीक न किया, उसकी ताकतों को तकसीम न किया, उसकी हिम्मतों को नहीं बांटा, तो फरमाया कि जिसने खुदा को खुदा जाना और मुझे उसका नबी जाना सच्चे दिल से, उसके खून और उसके गोश पे अल्लाह ने आग भरा है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत किया इसे अबू जर, माज़ बिन जबल, अबू सईद खुदरी, मुसलसल मशहूर मुतवातिर हसन सही हदीस है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने दिल से इकरार ज़ात परवरदिगार किया और जिसने मुझे उसका रसूल जाना उस पर अल्लाह ने दोज़ख हराम कर दी चाहे गुनाह कबीरा करे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आठ चीजों पे अल्लाह ने आग हराम कर दिया और उनमें से एक चीज वो है कि जिस जवान की आंखों से मिले एक आंसू निकला, सिर्फ एक आंसू, पट पट बार किसी महबूब के तसव्वुर में नहीं, किसी गमे बादलों फिक्र में नहीं, दुनिया की शहादत के लिए नहीं, एक आंसू खासतन मोहब्बत खुदा बंद में निकला, हमेशा हमेशा के लिए नार गुजर से आजाद हो जाएगा। जिंदा से हुब शहावत मिन नसार वल मदीन वल कनातिर मुकंतर मिन जहब वल फिजत वल खैर मुसमत वल अनाम वल हस जालिका मता वल हयात। ये असर पाया रही है बीवियां, बच्चे, खान, मालो आसमान, इज्जत व वलाहा, ये सारी असर पाया चीजें, जालिका मताउल हयात दुनिया, ये मताए हयात दुनिया है, ये जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं है, ये आपकी तरजीहात नहीं है। वल्लाह इंदा हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास उससे कई हजार आठ गुना बेहतर है। खुदा प्रायोरिटी है मुसलमान की, अल्लाह ही सेंटर है आदम के बेटी का, इसके सिवा आदम इस्लाम में बहरान कोई कमिटमेंट पहले इस्लाम में अल्लाह के लिए मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह शरीयतों में फर्क है, बदलती चली आती है, किसी के लिए एक किसी के लिए दो कानून है। ताहम के अल्लाह ने ऐलान किया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज तुम्हारी शरीयत पूरी हो गई, नेमत भी तमाम है, इधर किताब पूरी हुई उधर उस्ताद पूरी हो, नेमत से मुराद रसूल है और किताब पूरी हुई नेमत पूरी हो गई, अब इसके बाद तुम्हारे पास इस किस्म के कोई असबाब नहीं आएंगे, अब तुम्हारी अकलो बारगत भी पूरी हो, बायोलॉजिकल जिस प्रोसीजर से तुम गुजर रहे थे होमो सेपियन और सेपियन बन रहे थे, तुम कहां से चले होमो हवाई से चले होमो इलेक्ट्रिस बने होमो सेपियन बने होमो सेपियन सेपियन बने, अब तुम्हारी भी थोड़ी थोड़ी जाती तैयार हो गई,
जमानों से गुजरते हुए तुम कुरान के काबिल हो गए, अक्ल में जोर हो गए, कुरान तुम्हें दे दिया, पैगंबर तुम्हें कर दिया। अब पर ये इल्जाम कि तुम अपनी संस्था खुदा हो, शरीयतें बदलती रही है, अकबर ने किसी को एक कानून दिया, काबिल ने हाबिल को मारा तो पहला कानून दिया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने बोला तमाम इंसानियत को कत्ल किया। जब फिर साहब आया बैलून आया नसानी के जा तो हमने इक्कीस के लिए कानून की किसास दिया और क्या खूबसूरत आए थे पुराने हकीम में वाला तुम फिर किसास आया तो क्या उन्हें लंबा बेदार में बार बार को करना अहले अकल गौर करो कि हमने किसास में जिंदगी रखी, अहले अकल गौर करो हमने किसास में जिंदगी रख दी। उस जमाने में जब कबाइल एक फर्द का इंतकाम देख ले कि ये पूरा कबीला भारत कर देते थे, जब इंसानों की नस्ल महदूद हो गई थी, बंदों बंदों को बिना वजह और जवाब का बदल तो खुदा ने कानून किसास किया वरना फिर किसास आया तो या गौर करो तो हमने किसास में जिंदगी रखी, आग के बदले आग में जिंदगी रखी, कान के बदले कान में जिंदगी, दांत के बदले दांत में जिंदगी रखी। इस तरह इंतकाम फैलने से बचा और गलत की आग एक पूरे माशरे को लपेट में नहीं लेती। ये किसास जिंदगी है, ये मौत नहीं जो किसी पर वारद हो रही होती है। और खादिम अल्लाह आज के असल हाल आज तक चलते हुए अगर हम कानूनी को इस्लाम का कोई कानून ऐसा नहीं जो कम बन से थे, इंसान का कोई कानून जो कम बन से थे हो, अल्लाह के तमाम कम कानून कत्ल भी कम बन से तमाम सजाएं कम बन से डिटरेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने एक डिटरेंट लॉ बनाया है जो किसी कीमत पर भी कोर्ट और अदालत में पूरा नहीं हो सकता, जिससे इतना ज्यादा क्लेम किया जाता है खौफ जरूरी का वाशर को बरियत बरियत के नाम से खुदा को पहचाना जाता है। बड़ा वाशियाना सजा है, उस मालिक को कलीम के सामने एक सेंचुरी तो लिखा होता है। अब खुद गौर की वो एक सदी का खुदा तो नहीं है, वो बड़ों का भी नजर का भी खुदा, वो इससे पहले किसीरियंस का खुदा था, वो यहूदियों का खुदा था, वो हमारस का खुदा था, वो उससे ज़रा सिंगुलर सन का भी खुदा और आने वाले वक्तों का भी खुदा। आज का आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल 10 साल के अरसे के लिए चाहता खुदा अपने कानून बदल, वो चाहता है खुदा अपने कानून बदल। मैं खुदा को पूरे मुस्तकबिल माजी को और हाल को एक नजर में देखता, आपको पीछे की खबर करना आगे, हमको तो सिर्फ उस दरमियान के थोड़े से अरसे के लिए खुदा ने क्यों गुलामी का कानून बंद कर दिया, इसीलिए कि कल वो आने वाली जंग में आईटी जंग में शेल शॉक्स में इंसान ने दोबारा अपनी असल को वापस किया। उसी गार की जिंदगी जब एक तमाम गारत हो जाए तहजीब तबाह बर्बाद हो जाए फिर वही जिंदगी एक जायदान वही वही गार की जिंदगी है तो फिर खुदा अपने करीम का असूल कैसे बदल जाए। जब कौमों की बला और सजा को गुलामी से अल्लाह सजा देता है कौमों को, अगर खुदा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि कौम आलिम को रुसवा करें फराना मिस्र को रुसवा करें और उनको सजा दे तो उन्होंने पहले यहूद को पहले उसकी बदबख्ती की सजा दी, इनकी सजा ये है कि इनके बेटे कत्ल किए जाए और बेटियां जिंदा क्यों रहे, इन्होंने मेरे पुत्र बनाकर अंता किया और बलबाक के मंदिरों में रखे हुए हैं। तो इनकी सजा ये है कि ये जो महबूब तरीन कौम थे इन्होंने कोई कागज लिखवा दिया मुझसे कि अगर ये काफिरों की तरह रहेंगे मुशरिकों की तरह करेंगे तो मैं इनको सजा ना दूंगा। क्या हमारा छात्र कागज लिखा गया है, क्या उसने हमें लिख के दे दिया है कि अगर आप इधारा में खुदावंद न करेंगे, अगर आप खुदावंद करीम की तौहीन न करेंगे, उसके कवानीन की
रिकॉर्डिंग न करेंगे तो क्या आपका ख्याल रहेगा? आपको खुदा मुअज्जज और मुकर्रर मुसलमान समझेगा और आपको मुअज्जज़ाती मदद क्यों देगा? ला तब्दीला लिकलिमात अल्लाह, ला तब्दीला लिसुन्नत अल्लाह। ना अल्लाह के अल्फाज बदलते हैं, ना अल्लाह के कलाम। हमारे तस्लीम की रस्ता है अलबचा का जिहाद दुरुस्त कर जहन कल्ब में अपनी मुराद फिर खुदा करार दे, उसके तसव्वुर से सोच, वो हमें पूरी आजादी, हमें पूरी जिंदगी अदा, हमारी किसी चीज पर कदर नहीं अदा। आप उस माशरे में ये जरूर है कि खुदा के कानून हमारे शर्त के कानून के खिलाफ, अगर यूरोप की आजाद में इंसान को मरबूब है तो क्यों है कि नफ्स इंसान के मुताबिक, और अगर अल्लाह का कानून हमें बुरा लगता है तो क्यों लगता है कि नफ्स इंसान के खिलाफ। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे, अगर अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरना तो फिर नाहिन नफ्स अनिल हवा, तो अपने नफ्स की मुखालफत करनी। दिस इज द ओनली डिफरेंस between the system of God and the system of all other people created on earth, that we have to work against ourselves in favor of God. Unko ye mashakkat nahi karni, they move according to their self. Matlab kaun sa aisa system hai khadim wala jisko sari duniya pasand kare? Sabse badhkar agar khuda ke system se na insafi hoti hai, nibad rakh li रोजे छोड़, रोजे रख लिए, जकात छोड़, जकात रख ली, सदका छोड़, बाईपास रखा, बाईपास छोड़, इससे ज्यादा क्या कयामत कि आज तक कम्युनिज्म ने अपने निजाम में कोई मुदाखलत तस्लीम नहीं। जब डक्शन गोर्की ने लेनिन को लिखा कि गॉड विलिंग वी विल बी इन क्रेमलिन, तो आगे से उसे जवाब मिला कि यू आर स्टिल बुर्जुआजी, you are still reactionary, why did you write this word God willing? तो गोर्की ने लिखा भाई गलती हो गई, मैंने महावरत लिखा, इडियम जो बना हुआ महावरत, तो उससे आगे उस लैनिन ने उसे लिखा जब तक के खुदा तुम्हारे महावरे और वो जमावरा से भी नहीं निकल जाता तुम रिएक्शनरी हो। देखें ना अपने सिस्टम कितने साफ होते, कितने पाक सिस्टम होते। और फिर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत कम लोगों को पता है। हॉली हॉक्स ने जब इसको डिफाइन किया तो उसने ये जुमला कि सेकुलरिज्म वो निजाम है जो मजहब को हर कुवत और इस्तेदाद से बाहर निकाल देता है, और उसका एक जुमला बड़ा मशहूर है कि नोबडी कैन बी गुड सेकुलरिस्ट अनलेस ही इज अ गुड एथीस्ट। ये उसका जुमला होली हॉक्स का, द मैन हु फर्स्ट टाइम यूज्ड द वर्ड सेक्युलर, हु डिफाइंड सेक्युलरिज्म, उसका ये जुमला कि नोबडी कैन बी अ गुड सेक्युलरिस्ट अनलेस ही इज अ गुड एथीस्ट। एंड ब्रैडलाउ ने आके से और बड़ा खूबसूरत जुमला सुनने में, और उसने कहा रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म आर एज अपार्ट एज द सी फ्रॉम द लैंड। अगर समुद्र चलाएगा तो जमीन नहीं है, अगर जमीन आए तो समुद्र उससे पीछे, ये दोनों हाथाई नहीं ले सकते किसी सूरत में। और सेकुलरिज्म मिक्स अप कर, सेकुलरिज्म टैक्टिक है इसी, और अलग ही क्या करना कि मेरे साथ मार कर क्यों तो, यानी जिस रस को रिवाज पर मजहब रख लिया मेरी खातर, एक नान पे दाल रख के देगी और फ्री हो गए। आप आला तरीन नेमतें जो मैं देता हूँ उनको एंजॉय करते, तो बस नबी पे किसी ने माही सी जुड़े लटका है सरकार के साथ, तो खुदा वाले दिन कायम फिर आ गए। तो मैं पर इनको समझा, मेरी तोहिन तो ना किया, इनको समझा कि अगर तुम अपना बेहतरीन माल मेरे नाम में नहीं दे सकते तो दरमियाना तो दो, पर मुझे इंसल्ट तो ना करो, वो बाप मैं देने वाला, खजूरें मैं देने वाला, जिंदगी मैं देने वाला, बाल बच्चा मैं देने वाला, हर नेमत पे कहीं मैं देने वाला, और मुझे तुम ये दे, ये दलील
मेरे नाम पर ले लेते हैं तो खुदा आपके करीम में सख्ती से ममानियत अगर आपको इस्लाम के बेनिफिट्स चाहिए, अगर मेरे दीन के बेनिफिट्स चाहिए तो फिर पूरे आओ मदा मेरू खुदा शैतान इसमें सेकुलरिज्म शरीक है, कम्युनिज्म शरीक है, मॉनेटरी फंड शरीक है, माना तो पूरे आओ ये तुम्हें सिखाता है कि खुदा के निजाम से निजाम है। साधु अल्लाह लास्ट थिंग्स अल्लाह ने कहा बड़ी पैसे बड़ी बातें सूद भी खत्म होता है, बड़ी बात है। मैं हैरान कि इतना बड़ा मसला अल्लाह ने इतना बड़ी इस पे फजीहत की और कहा भाई ये जिसने किया किया उसके जो कयामत उसको तो अल्लाह और रसूल से लड़ना पड़ेगा। दूसरी आयत में फरमाया वो हाल अल्लाह और बाया वो हाल मां रेबा, अल्लाह ने रेबा को मंसूख किया और बाय को हलाल किया। तो सवाल ये है कि आखिर किस निजाम से कोई निजाम उनको होना चाहिए। मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतुल विदा वाले दिन ऐलान फरमा रहे हैं, पहले नहीं, खुतबतुल विदा के दिन इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो और कुरान उतर चुका, आखिरी आयात नज़ूल में आ चुकी, ये भी आयात नाज़िल हो चुकी, तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगो आज के दिन में तमाम सूद बातिल करार देता। और सबसे पहले मैंने अपने चचा अब्बास का सूद बातिल करा। एक सवाल तो जहन में आता है कि बावजूद इन आयात इलाही की उतरने की अब्बास का सूद उस वक्त तक कायम है। अब्बास ने अपने मतलब का सूद कायम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा उतर वदा के लिए इसको फागर किया, उसकी क्या वजह। आज बहुत सारे उलामा मैं इसलिए कहता हूं कि कुरान उनकी इन कम नजरों की मदद से नहीं समझ बैंक की ऑपरेशन हुआ सूद पर 60 लाख मुद्दा फारिग कर वो तबाह क्या है, बेकारी, मजीद बर्बादी, तबाही हालात, खानदान का उजड़ना, उसमें तो अफलास, ये उसके नतीजे। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह के दिए हुए मॉनिटरी सिस्टम्स पूरे नहीं हो गए सूद की मुकम्मल ममान है, जब ज़कात मुरतब हो गई, सदकात के सिस्टम मुरतब हो गए, तब जाके अल्लाह के रसूल ने खुतबा अदा किया कि आज के दिन में तमाम सूद बातिल करार देता। और सबसे पहले अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल की क्या निजाम इस्लामिक बैंक आए नजर तो कुछ आते हैं गवाह मगर असल में कुछ है, इनके अपने एसेट्स तो हैं कि ये सूद पे मगरबी बैंकों में पड़े, ये तो कोई तरीका। और अल्लाह ने इसको बिल्कुल अहमियत दी, बड़ी सादा सी बात कहा क्या महाबुल्ला हो गए बाबा, बड़ी सादा सी बात कि अल्लाह सूद घटाता है और सदका अगर कोई मुसलमान हुकूमत इंटरेस्टेड हो एक सदकात बैंक एक अरब की मालियत के साथ तो सदकात बढ़ने के लिए उनने कर्जे दे मिला सके, उनने सरमायादारों को कर्जे दे इस शर्त पर कि आप सही पैसे लौटाओगे, अगर चाहो तो नफा बहने चले, और अगर फर्ज करो 80% सदकात को खा गए शुरू करो तो है क्या वक्त पर सदकात रोकने के लिए तो नहीं होता, सदकात का अगले बरस उतने और आगे उससे आगे बढ़ाए। और ये निजाम सदकात जो है ये सूद को सिर से ना पाए सिर से ना पाए, मगर जब तक मजहब की अहमियत सिर्फ खुदा की
मजहब रस्ता है, ये तब शब्द पैदा होगा जब हमारी टॉप प्रायोरिटी और इंटेलेक्चुअल फिलोसफी के तरफ अल्लाह को जाए, उससे नीचे नीचे ये शऊर। और जब तक हमारी प्रायोरिटीज नाकिस है, जब तक हमारी तरजीहात नाकिस है, हम पूरी तरह से अपने इस रुख को मुतयन नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा ने फरमाया कि जब तुम मुसलमान हो और तुम्हारी तरजीहात दुरुस्त है तो तुम पर कुछ नौ हजर और अलाम के लगे आए, कुछ सुस्ती आए, बोला आहम तो सुस्ती न करना मेरे बारे में, बोला आहम और गम न करना। वह अंतम आलाना रब्बे काबा की कसम है कि तुम गालिब होगे, इन कुन तो मोमिनीन, अगर ईमान वाले हो। और खातिम हजरात, अगर हम आज गालिब नहीं हैं तो हमें उसके आखिरी हिस्से को दोबारा इन कुन तो मोमिनीन, शायद हम मोमिनीन ममा रहेंगे। बहुत अच्छा जनाब, ये थे जो अपने इल्म में बैकग्राउंड मंत्र के चंद लहरों से हमें नवाज रहे थे। अब किसी दोस्त किसी हाल में किसी मदद में मान के बारे में कोई सवाल हो तो सवाल करना चाहे तो रास्ता उसके सवाल कर सकते हैं। हम ऐसे हम नाथ वाला दीन मलूक हैं,
जैसे लोग बादशाह होंगे वैसे लोग उनके नीचे जाएंगे, मगर उसके साथ साथ जहाज़े अकबर ने सबसे बड़ा जहाज ये करार दिया गया कि जो इंतजाम हो जाए सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करता। तो देखा जाए तो पिछले काफी अदवार में जो मैंने महसूस किया कि कुछ साहिबान इल्म भी मौजूद थे, इसके साथ साथ कुछ साहिबान हक भी मौजूद थे, और हमें हमें पाकिस्तान की तारीख में नजर आता था कि कुछ लोग हक की आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा सिस्टम जारी था। मगर जब आगे बढ़ते हुए आप ये देखते हैं उन लोगों की तादाद बहुत कम होती जा रही है जो संस्कृति विरासत समय के बैठे हैं, और अहले इल्म की विरासत तो इतनी कलील है कि कुरान की आयत याद आ जाती है सूरतुल मुमिनीन वही वह कलील मुमिनीन करीम, और अंग्रेजी में फ्यू का लफ्ज तो नाम एग्जिस्टेंट होता है। तो उससे देखा जाए तो हालात लगते ऐसे आसार ये बताते हैं कि हम काफी दीवार पसीर, मगर मेरा अंदाजा जो मुख्तसरत में आपका मुझे हम उसका बता दें, मैं किसी का जाति मुखालत तो हूँ नहीं और ना सियासत में किसी को खसूसी बात बच रही है, मगर मेरी जजमेंट के पिछले चार पाँच साल के अरसे मैंने जो महसूस किया कि इंतहाई कम दर्जा की इल्मी शख्सियात को शायरी बना रहा है। ये बहरान एक मौजूद है जिसकी वजह से मसायल कंफ्यूज होते हैं। तदब्बुर तो